अब तो हमको देश की तरफ से प्यार से मार रही है। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8 बज गए और अपनी शुरुआत हो रही है अभी लस्सी खिला से। मम्मी अभी जा रहे हैं सेव लोडिंग करने के लिए। अभी फोन तो आया है, पता नहीं लोड हो गया नहीं हो गया, वैसे शायद हो ही जाए, पर हर तो है गाड़ी लोड होने के लिए। ऊपर पहुँचेंगे 9-10 बजे के बाद ही लोडिंग स्टार्ट होगी, पहुँचे देखते हैं कब तक शाम को लोडिंग खत्म होगी, कब लोडिंग खत्म होगी अभी उनको पक्का पता नहीं। जा रहे हैं एप्पल कोल्ड स्टोर में, या क्या उसका किए जैसे उन्होंने लेफ्ट टाइम हो गया दिन के 1 बज चुके। और भाई हम गाड़ी लगा दी कोल्ड स्टोर में, सामने कोल्ड स्टोर है। और देखो अपनी गाड़ी की डेकोरेशन, धीरे धीरे डेकोरेशन कर रहे हैं, लगा रहे हैं सामान, झालर वगैरह लगाई है धीरे धीरे। और देखते हैं कब लोडिंग होती है, कब लोडिंग कन्फर्म होता है, कब नहीं पता चलेगा तभी। अभी हम कोल्ड स्टोर में और ही अपनी गाड़ी लोड है। देखो इसकी एक डब्बा हाइट है, मेरी 3 डब्बे 2.5 डब्बे हाइट है। पूरी गाड़ी लोड हो के आप रास्ता तरपाल डालेंगे इसको, फिर निकल जाएंगे। अभी अपनी दोनों गाड़ियां बाहर, ये देखिए अभी हम गेट से निकालने लगे हैं बाहर, वो गेट खुला हुआ है। टायर को हवा कम है, टायर में हवा वगैरह डालेंगे तो फिर निकल जाएंगे इधर से। निकल आए गेट से बाहर, गाड़ी वगैरह दूसरी भी आ गई बाहर। दूसरी कहाँ गई, वो दूसरी बाहर निकल के आ गई। अभी हम कंटिन्यू रात को अभी कार्रवाई हो जाए तो ठीक है, बस कार्रवाई करनी है। लोड करके निकल गए और रास्ते में लगा हुआ जाम तो अभी देखते हैं कार्रवाई अपनी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, क्या सिस्टम है। रेलवे फाटक का जाम देखते हैं, कार्रवाई हो जाए तो ठीक है, पर अपना टायर भी एक बाल नहीं का तो उसका भी कुछ करना पड़ेगा। कब से कर दे जाम में, अभी थोड़ा सा हलचल हुई है तो आगे टनल से अंदर कर रहे टनल क्रॉस। और आगे मतलब काफ़ी भाई जो आ रहे हैं ना आगे से, उनसे पूछ रहे बोल रहे बहुत जाम लगा हुआ है। कब से निकले हुए हैं अभी तक टोल में पहुंचे हैं, इतना जाम लगा हुआ ना कि इतना जाम लगा कोई समझ नहीं आ रही इस बात का। अगर डबल कार्रवाई छोड़ दी शायद उसका जाम लगा, कैसे भी गाड़ियाँ आ रही इधर से भी जा रही हैं, इतना जाम लग गया। एक सुबह से खाना भी नहीं खाया, भूखे बैठे हुए अपने होटल में पहुँच के कुछ खाए, पर खाना खाएंगे क्या कुछ नहीं होगा कैसे खाएंगे। एक नींद भी लग रही है। गए हुए थे लाइन में और भाई एक आया, चाय दे गया, चाय के साथ बिस्कुट दे गया, भूख भी लगी हुई थी, चाय वगैरह बिस्कुट खाते हैं। ये देखते हैं आगे, टाइम हो गया रात के 11:30, अभी तक हम जाम में ही लगे हुए हैं। देखो कितना जाम लगा हुआ है, पूरी तरह पीछे पूरी लाइन लगी हुई है जाम की। अभी तक हमने बनाल क्रॉस नहीं हुआ, पता नहीं कब होगा बनाल क्रॉस पे नहीं होगा। तो भाई जाम देखो कितना लगा हुआ है, पूरा जाम ही जाम लगा हुआ पूरे रास्ते में। टाइम हो गया रात के 2:30 बज गए और अभी तक जाम का कोई खुल नहीं रहा, बस धीरे धीरे अभी खुला, थोड़ी धीरे धीरे चलिए मेरे वापस लग रहा है, समझ नहीं आ रहा, पूरी रात जाम ही आ रहा है। मेरे को लगता सुबह हो जाएगी उधमपुर पहुँचते पहुँचते, सुबह भी रास्ते में ना हो जाए उधमपुर की बात ही लग है। ओ पार सामने पूरा जाम लग गया है, पता नहीं गाड़ी बीच में ख़राब हो गया क्या चक्कर हुआ, वो पत्थर वगैरह लगाए हुए पूरी गाड़ी जाम लगा हुआ है। जाम नहीं खुल रहा, सुबह होने को आ गई अभी तक जाम नहीं खुल रहा। बाहर सामने ना गाड़ी ख़राब हो गई है, उसकी वजह से पत्थर वगैरह लगाए हुए हैं, चढ़ नहीं रही, क्या चक्कर है कुछ समझ नहीं आ रही। जो भी जाम वगैरह था ना वो इसी चीज़ का था, यहाँ पे बस ये बड़ी थी ना रोड की हालत देखो इतनी बेकार हालत है। वो दोनों तरफ से कार्रवाई छोड़ी है ना, फिर एक तरफ से यहाँ पे सिंगल रास्ता है, एक तरफ से थोड़ी गाड़ी छोड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ से रुका के, फिर पहले से रुका के दूसरी तरफ से छोड़ रहे हैं, और हम रात पूरी के कंटिन्यू चल रहे हैं। टाइम सुबह के 5 बज गए और अभी तक हम इधर ही हैं हाईवे पर, अभी भी जाम लगा हुआ, जाम से निकले हैं, पता नहीं अभी कहाँ जाम मिल रहा है, कहाँ जाम आ रहा है। मैंने पहले बोला था उधमपुर पहुँचे सुबह हो जाएगी, उधमपुर के पीछे ही होगी, रामबन में ही पीछे से सुबह होगी हमें तो। टाइम हो गया सुबह के 5:30 और अभी हम पहुंच गए रामबन में। तो हमने कल मतलब पूरा दिन हो गया, हमने कोई खाना वगैरह कुछ नहीं है, हम सोचा आगे जाके खाएंगे, खाते खाते जाम में लग गए, कोई खाना नहीं खाया कोई कुछ नहीं खाया। और अभी देखो कैसे सो गया, अभी देखते हैं, अभी इस ब्लॉग को जहाँ पे करते हैं देते हैं, अंदर ब्लॉग में सोते हैं। बाय बाय।